इनका स्वागत है। मैम से जानते हैं, मैम आपकी लेगेसी बहुत से लोग आज जुड़ना चाहते हैं जी। लेकिन इनका करियर आगे चल के क्या है, फैशन और मॉडलिंग के अलावा आप इनको क्या? जी, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल पूछा कि फैशन और मॉडलिंग के अलावा। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखना शुरू करेंगे तो शायद पिछले 1.5 साल में मैं भी ऐसी ही एक नॉर्मल कंटेस्टेंट हूँ। वो कंटेस्टेंट जब थी, दो दो पैजेंट्स मैंने जीते। पैजेंट जीतने के बाद मेरी रेशो जो थी मॉडलिंग असाइनमेंट्स की, वो 10 या 20% थी। जो 80% था वो मेरा रुख जो था सोशल कॉजेस की तरफ था। तो मैंने सोसाइटी की तरफ काम किया, क्योंकि इस ताज का मतलब वही होता है। क्या बात, हम ताज जब जीतते हैं तो वो सिर्फ मॉडलिंग करने के लिए नहीं जीतते, उसका कोई ना कोई कारण होता है कि हमारे वो सर पे दिया जाता है। क्या बात, तो वी वर्क टुवर्ड्स सोशल कॉजेस, आई वर्क टुवर्ड्स सोशल कॉजेस, लेगेसी इज वर्किंग टुवर्ड्स सोसाइटी। थैंक यू सो मच। कितना समय लगा ऐसा करने में? देखिए, ऐसा शो अगर करना होता है तो सालों साल लग जाते हैं। बहुत मेहनत चाहिए सारे लोगों को एक साथ जुटाने की। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अपना फर्स्ट सीज़न बहुत अच्छे से करूं। तो आज जितना प्यार मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, मेरी कैंडिडेट्स के परिवार ने, मीडिया ने, जूरी ने दिखाया है, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम ऑल। मैंने शायद कुछ अच्छा ही किया होगा, एवरीबॉडी सपोर्टेड मी फर्स्ट सीज़न। मैं पहले डर रही थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अब होते हुए सच में मैं अपने सपने को देख रही हूँ, तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है एंड आई एम वेरी लकी टू हैव यू ऑल। थैंक यू। हमेशा हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करते हैं, तो क्या लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट का, कह सकते हैं क्या चेंजेस आए? जी बिल्कुल, आप मैं सामने लाइव एग्जांपल हूँ। अगर मैं इतना कुछ कर सकती हूँ अपनी जॉब के साथ, अपने बच्चे संभालने के साथ, एक टाइटल एक साल पहले जो मैं जीत के आई यूनाइटेड नेशंस पेजेंट से, इतना सब कुछ करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट ब्रांड भी लॉन्च कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि औरतें कहीं पीछे रह गई हैं। औरतें आगे बढ़ती ही जा रही हैं और हर फील्ड में बढ़ती जा रही हैं, और मैं एक मल्टी टास्कर होने के बाद कह सकती हूँ आई एम प्राउड टू बी अ वुमन एंड आई विल कीप प्रमोटिंग वुमन। और जो आज मिसेज इंडिया लेगेसी जीती है, उसका आगे फ्यूचर क्या है, क्या लगता है? जी, मिसेज इंडिया लेगेसी का फ्यूचर ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि औरत जो लेगेसी मैं निभाती आ रही हूँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, मैंने कहीं कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ बांध के रखा हुआ है, वैसे ही मैं इस लेगेसी को एक अपने ब्रांड के तरीके से इन लेडीज़ को आगे ऐसे ही चलाती जाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने कैंडिडेट्स को बताई कि ये फर्स्ट सीजन ख़त्म होने के बाद मेरा और उनका रिश्ता नहीं खत्म हो जाता। वी ऑल आर फैमिली एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। दे ऑल विल वर्क फॉर गुड सोशल कॉज एंड प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट इन सर्टेन वेज डिस्पाइट ऑफ टेकिंग एडवांटेज टुवर्ड्स द मॉडलिंग असाइनमेंट्स। उन सब के अलावा वो बहुत कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट नेशन न्यूज में भाली तनीरा जी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे। आप लड़कियों और महिलाओं के लिए तो मेकअप आर्टिस्ट रही, सभी लोग जानते हैं, बहुत जाना पहचान चेहरा था, बहुत छोटे थे तब पेपर में फोटो आती थी भारती तनीरा। तो मैं पूछता हूँ लड़कों के लिए आपको बताया मेकअप के लिए। देखिए, अभी तो हम पूरा अकेले की अब पूरा कपड़े लड़कों के लिए, अभी कुछ कितना देना चाहें लड़कों के लिए कि अब घरेलू या बाजार हो, क्या आप कर सकते हैं नॉर्मली? क्योंकि लड़के भी बहुत मेकअप पे ध्यान देते, चाहे हेयर स्टाइल हो चाहे कुछ भी हो। आपको जब ब्राइड अपने तो ब्राइड मेकअप का साधन रुपया लड़की जी ने फेशियल करा दिए, लेकिन सब कुछ लड़के दिखाते हैं तो वाई नॉट मेकअप। मेकअप क्या है? मेकअप से आप अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं। हर किसी को भगवान ने बहुत अच्छे फीचर्स दे दिए, तो जिनको अच्छे फीचर्स दे दिए वो मेकअप करके खूबसूरत लग सकते हैं। एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए या मे बी 20 आवर्स शादी के लिए तो कराना चाहिए। नॉर्मली जो सैलून पे नहीं जा रहे, पार्लर पे नहीं जा रहे, उन लड़कों की आप फिर बता सकते हैं कि वो लोग अपना ख्याल कैसे रखते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से कैसे रखते हैं? ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेकअप तो आपको कुछ ना बहुत सुंदर बना सकता है। तो ये असली सुंदरता दो तरह की है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल,
और इंटरनली तो खूबसूरत होना ही चाहिए, आई ऑलवेज से दैट, लेकिन एक्सटर्नली खूबसूरत होने के लिए स्किन एंड योर हेयर, इसके बारे में जैसे लड़कियाँ करती है आप लोग करनी चाहिए, स्कार्स क्यों हैं स्किन के ऊपर, क्यों इंकर जाए, आपको तो सुंदर लगना है, स्मार्ट लगना है, हैंडसम लगना है, स्किन कर दीजिए क्लेंजिंग मॉइस्चराइजिंग अनमेंशन, चारों चीज़ें जैसे लड़कियों के रिजल्ट में आप लड़कों के लिए रिजल्ट में कोशिश कीजिए हमेशा रात को फेस को क्लीन करके सुनिए, सुबह अगर हो सके तो फेस स्क्रब लगाएँ, बाकी के बहुत सारे घरे भी आप बना सकते हैं, घर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें किचन के अंदर जैसे कि राइस जो है चावल का आटा बना लीजिए या बेसन बना लीजिए, नहीं तो कुछ भूनने डालिए मलाई बना लीजिए और इसका एक्सपर्ट बना दीजिए, फेस वॉश कर दीजिए सिंपल हो जाएगी, दिन में कोई भी संस्कृत आप भी लगा दीजिए और लगा दे आपको ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कियाँ फिर भी जैसे बात कम जाती है आप लोग भी हर रोज़ जा रहे हैं हम संस्कृत एक क्या है इसके रात को फेस को पेंट के समय और ज़रूर तक मैनेश से रीड कर, क्या बात है भारती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपने रिप्लाई बहुत अच्छा दिया कि मैं अंदर से भी सुंदर होना चाहिए और बाहर से भी सुंदर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा पेजेंट जो आज आप देखने देख रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग हमेशा बात करते हैं सिर्फ बाहरी खूबसूरती कुछ नहीं कर सकते, जब तक आप अंदर से खूबसूरत रहे हैं आप बीमार नहीं